मित्रों ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आपकी राशिफल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको आज का सटीक पंचांग विस्तार से जानने को मिलेगा। इसी तरह हम पर अपना प्यार बनाए रखें। अभी सब्सक्राइब कीजिए आपकी दैनिक राशिफल चैनल को, इसके बाद बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका आज का पंचांग में। जानते हैं आज क्या कहती है आज का पंचांग, कैसा रहेगा आपका दिन की शुरुआत। आज का पंचांग 9 अगस्त 2024 नाग पंचमी के दिन क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और राहु काल का समय, यहां जाने पूरा पंचांग। आज का पंचांग 9 अगस्त 2024 नाग पंचमी के दिन सूर्योदय सुबह 5:41 पर होगा, वही सूर्यास्त शाम के 7:10 पर होगा। आइए जाने आज का पूरा पंचांग। आज का पंचांग 9 अगस्त 2024 आज का पंचांग 9 अगस्त 2024 सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। आज के दिन हस्त नक्षत्र रहने वाला है। नाग पंचमी के दिन अभिजीत 11:53 से 12:48 तक रहेगा। इस मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा। आज के दिन राहुकाल का समय प्रातःकाल 10:30 से दोपहर 12:00 तक रहने वाला है। राहुकाल में कोई भी शुभ काम ना करें। इसके साथ ही आज के दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें। इस दिशा में दिशा शूल रहेगा। अब आइए जाने पूरा पंचांग। नाग पंचमी ओपे 2024 आज का पंचांग 9 अगस्त 2024 आज का पंचांग 9 अगस्त 2024 संवत पिंगला विक्रम संवत 2081 माह श्रावण कृष्ण पक्ष, तिथि पंचमी, व्रत व पर्व नाग पंचमी, दिवस शुक्रवार, सूर्योदय सुबह के 5:41, सूर्यास्त शाम के 7:10, नक्षत्र हस्त, चंद्र राशि कन्या, स्वामी ग्रह बुध, सूर्य राशि कर्क, स्वामी चंद्रमा, करण भव दोपहर के 1:54 तक, फिर बालव योग सिद्ध दोपहर के 1:42 तक, फिर साध्य। शुभ मुहूर्त 1 अभिजीत सुबह के 11:53 से दोपहर के 12:48 तक रहेगा। 2 विजय मुहूर्त दोपहर के 2:27 से दोपहर के 3:25 तक रहेगा। 3 गोधूली मुहूर्त शाम के 6:29 से शाम के 7:23 तक रहेगा। 4 ब्रह्म मुहूर्त 4:08 एम से सुबह के 5:09 तक रहेगा। 5 अमृत काल सुबह के 6:06 से 07:55 AM तक रहेगा। 6 निशीत काल मुहूर्त रात्रि 11:52 से 12:43 तक रात। संध्या पूजन शाम के 6:21 से शाम के 7:20 तक रहेगा। दिशा शूल पश्चिम दिशा, इस दिशा में यात्रा से बचें। दिशा शूल के दिन उस दिशा की यात्रा करने से बचते हैं। यदि आवश्यक है तो 1 दिन पहले प्रस्थान निकालकर फिर उसको लेकर यात्रा करें। अशुभ मुहूर्त राहुकाल प्रातःकाल 10:30 से दोपहर 12:00 तक। क्या करें, नागपंचमी में नाग उपासना करें, कलसर्प दोष का उपाय करें, श्रावण माह का व्रत करें, शिव उपासना के साथ साथ भगवान विष्णु जी की पूजा पर ध्यान दें। आज दुग्ध व दही से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। घर में नर्मदेश्वर या पारद शिवलिंग रखें व उनकी उपासना करें। श्रावण माह में भगवान शिव व माता दुर्गा जी को प्रसन्न करना सहज भक्ति भाव से ही आसान हो जाएगा। आज बहुत पवित्र तिथि है। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का 18 बार पाठ करें, शिवलिंग की उपासना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें, अन्न व फलों का दान करें, शिव मंदिर परिसर में बेल का पेड़ लगाएं। आज गन्ने से रुद्राभिषेक करने से सभी कष्ट समाप्त होते हैं। दुग्ध से रुद्राभिषेक करने से धन संपदा व ऐश्वर्य का सुआगमन होता है। श्रावण माह में तीर्थ करें, शिव पुराण का पाठ पूर्ण कर तत्पश्चात हवन करें। आज घर में पूरी सब्जी खीर हलवा इत्यादि बनाकर खाना चाहिए व उनका दान भी करना चाहिए। क्या ना करें, असत्य का साथ मत दें। मित्रों अभी तक आपने जाना कि आज का पंचांग क्या है। पंचांग के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आगे दे रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस ना कीजिएगा।
आखिर में हमें पंचांग क्यों देखना चाहिए? पंचांग क्या होता है? पंचांग ज्योतिष के 5 अंगों का मेल है, जिसमें तिथि, वार, करण, योग और नक्षत्र का जिक्र होता है। हर दिन की तिथि का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा में भेद के आधार पर होता है और पंचांग के आधार पर हर दिन के शुभ अशुभ समय का निर्धारण करते हैं। इसके आधार पर अपने काम को आसान बनाते हैं। आज का पंचांग में तिथि, पक्ष, माह, नक्षत्र भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक शुभ कार्य के लिए अलग अलग नक्षत्र होता है। सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय के कुछ पहर पहले तक ही एक तिथि मानी जाती। चंद्रमा का स्थान जिस दिन चंद्रमा जिस स्थान पर होता है, उस दिन वही नक्षत्र और राशि मानी जाती है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। तिथि वार च नक्षत्रम योग करण में च पंचांगस्य फल श्रुत्वा गंगा स्नन फल लभेत। आदिकाल में ही इस श्लोक के माध्यम से पंचांग को परिभाषित किया है। तिथि पंचांग का पहला अंग तिथि है, जो 16 है। इनमें पूर्णिमा और अमावस्या 2 प्रमुख तिथियां हैं, जो 2 पक्षों का निर्धारण करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों तिथि माह में एक बार आती है। नक्षत्र नक्षत्र 27 होते हैं, लेकिन एक मुहूर्त अभिजीत नक्षत्र है जो शादी विवाह के समय देखा जाता है। इसे मिलाकर 28 नक्षत्र भी कहे जाते हैं। योग 27 होते हैं। मनुष्य के जीवन में योग का बहुत महत्व है। करण 11 होते हैं। 4 स्थिर व 7 परिवर्तनशील है। वार सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जो रविवार से शुरू, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार पर खत्म होते हैं। पंचांग के 5 अंग तिथि। हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। एक माह में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां 2 पक्षों में विभाजित होती हैं। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। तिथि के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। नक्षत्र। आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृच्छिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभेषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। वार। वार का आशय दिन से है। एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। योग। नक्षत्र की भांति योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगन, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षन, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वर्यान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। करण। एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक तिथि के पूर्वार्ध में और एक तिथि के उत्तरार्ध में। ऐसे कुल 11 करण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तोग्न। विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।